हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना जावेद बशीर और आज मैं आपको नेक्स्ट लेसन देने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूं। और थैंक यू सो मच, आप लोगों ने जितना मुझे प्यार दिया है और जितना मेरे लेसन्स को आपने सुना है, जितना सीखा है और जितने आपने मुझे मैसेजेस किए हैं मेरे चैनल्स पे, तो सॉरी मैं कुछ मसरूफियत की वजह से आपको उसका रिप्लाई नहीं कर सका, लेकिन मेरे दिल में हैं आप और हमेशा रहेंगे। तो आज आपको मैं पार्ट 3 और पार्ट 4 बताऊंगा। पार्ट 3 में मैं आपको यमन की स्थाई और अंतरा बताऊंगा और पार्ट 4 में मैं दो बहलावे आपको दूंगा। बहलावे का मतलब ये होता है कि किसी जगह को अपनी मर्जी से या अपनी रूह से निकालना। जो दो बहलावे मैं आपको दूंगा, आप उनका रियाज कीजिए 1.5 से 2 घंटे, वो बहुत ज़रूरी है। तो वो इंशाल्लाह आप देखिएगा, अगर वो बहलावे आप तैयार कर लेती हैं और उनको उन पर अबूरियत हासिल कर लेती हैं, तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा गा सकते हैं। ये आप लोगों का प्यार है कि मैं आपको, मेरा दिल करता है आपको बताने को, हालाँकि मैं ख़ुद भी सीखता हूँ और सीखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो आप भी सीख रहे हैं इंशाल्लाह, मेरी दुआ है आप बहुत तरक्की करें। पहले मैं आपको यमन की स्थाई बताऊंगा, दो दफ़ा स्लो लय में। स्लो लय का मतलब ये है कि आपको उसकी वेरिएशंस का पता चले कि वो स्थाई किस तरह गानी है, और फिर मैं उसको 2 से 3 मरतबा तेज़ लय में गाऊँगा ताकि आपको उसकी असल शक्ल का पता चल सके कि उसकी असल शक्ल क्या है। तो पेशे खिदमत है, पहले स्लो टेम्पो में है। के नारे के नारे के नारे के नारे धरे, ये जो जगह है किनारे दरे 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 दरिया बांधो मचाए मेरे उल्फत में जरे किनारे 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 दरिया कश्ती बांधो मजाए मेरे उल्फत में। और अब इसकी जो असल शक्ल है, जिस तरह उसको लय में मतलब लय में किस तरह इसको गाना है, ये इसकी टेम्पो है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4। ये किनारे 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 दरिया कश्ती
सुना रहा हूं। किया है।